जनपद सिद्धार्थनगर में आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इटवा ने तहसील के बेलवा में राजभर इटवा तहसील के बेलवा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत किया, जहां पर ओम प्रकाश राजभर का जिलाध्यक्ष ने जोर शोर से स्वागत किया। अपने संबोधन में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब तक गरीबों को वह हिस्सा का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक सड़क से सदन तक हम गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूंजीपतियों का कर्ज सरकार माफ कर रही है तो गाँव में रह रही गरीब जनता का बिजली का बिल क्यों नहीं माफ कर सकती? सरकार देश प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू होना चाहिए। बिहार और गुजरात में अगर शराब बंद हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में भी शराब पूर्णतः बंद होनी चाहिए। पत्रकार आयोग का गठन होना चाहिए और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। देखिए, जो शोषित वंचित लोग हैं, आजादी के 75 साल में जिनके दरवाजे तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी आज तक नहीं पहुंची है, उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस देश में जाति के नाम पर बांट करके सियासत हो रही है। आप अपने हक के लिए लड़ो, जब तक आप जगोगे नहीं तब तक आपको कोई हिस्सा देगा नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।